श्रीकाल की हालचाल तुसी अपनी पूरी रसलीन दे नाल। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज आप देख सकते हैं सूरज दादा बहुत चमचमा रहे हैं, तो मतलब बहुत दिनों से ही ऐसे आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है अगर अब कोई बारिश नहीं होगी तो अब गर्मियों का आगमन होने वाला है, गर्मी आने वाली है। तो सुबह हो चुकी है, मतलब आजकल काफ़ी जल्दी सुबह हो जाती है। पहले मेरी कोई नींद खुली थी 6:30 तक, फिर मैंने कहा नहीं रसलीन सोचा थोड़ा सा सोचा तो मैं थोड़ी सी सो गई। थोड़ी सोते सोते 8 बज गए, अभी जस्ट उठी हूँ, 8 के 8:30 ही हो गए। तो जस्ट उठी हूँ और ये बाहर आई और सूर्य दादा ये आ रहे हैं। इतनी गर्म हीट है ना, बड़ी प्रॉपर प्रोमिनेंट हीट है इस टाइम ना सूर्य दादा की। चलते हैं अब अंदर फ्रेश होने। और आप लोग क्या कर रहे हैं जी सुबह सुबह उठ के? आप लोग भी सूर्य दादा का लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं सुबह सुबह सूर्य दादा से? ठीक है, तो चलते हैं अब अंदर होते हैं फ्रेश और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। फ्रेश होके आ चुके बट नाइट सूट में, बिकॉज जाते जाते क्योंकि थोड़ा घर का काम करना है, मम्मा ठीक नहीं है, वो फुलके बना नहीं सकते, तो वो बनाने के बाद ही मैं चेंज करूंगी। तो फिर ऑफिस जाते जाते चेंज करके जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आज हम ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं, मेरा फेवरेट। आपको पता है मेरा फेवरेट क्या? अगर पता है तो गेस करके अभी कमेंट कीजिएगा, बाद में आगे देखिएगा कि मेरा फेवरेट क्या है ब्रेकफास्ट में। मेरा फेवरेट है मूली की परौंठी सर्दियों में। ये मूली की परौंठी, धनिया, हरी मिर्ची नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट मुझे ये थोड़ी सी कहीं से लाल मिर्ची मिली है, यही मैं डाल दूंगी क्योंकि मिर्ची के बिना टेस्ट नहीं आता। रेड मिर्ची का तो चलो अपना टेस्ट है, बट लाल मिर्ची के बिना टेस्ट नहीं आता। वो मैंने बटर निकाल दिया और ये यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। बस अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने लगी हूँ परौंठे बनाने। और दही भी आ चुका है और दही को खोलते और डालते हैं इस डब्बे में। और तब तक मीनवाइल चाय भी बन जाएगी और मेरा परौंठा भी रेडी हो जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। हमारा मूली का मटेरियल रेडी था जिसमें मैंने सेकंड परौंठी बना रही हूँ और ये फर्स्ट वाली ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो ये पापा को जाएगी खाने के लिए। और मैं ऐसे बनाती हूँ, ऐसे मूली एक पेड़ पे रख के, मतलब एक पूरा बेल के फिर उसके ऊपर दूसरे वाला फुल्का रख देती हूँ। मतलब मेरे दो फुल्कों की, मतलब कि दो फुल्कों की एक परौंठी बनाती हूँ। कुछ लोग एक ही उससे बना लेते हैं बट मेरे से वैसे नहीं बनता। वैसे तो मेरे वैसे अच्छे आलू के परौंठे भी नहीं बनते क्योंकि वो निकल जाती है फिलिंग सारी, पर इससे क्या एक प्लस पॉइंट है कि फिलिंग बाहर नहीं निकलती, मज़े से आराम से परौंठे बनते हैं हमारे। तो ये परौंठा इज ऑलमोस्ट डन, थोड़ा सा कुरकुरा और करेंगे तो फिर हमारा परौंठा बन चुका। पहुंच चुके हैं ऑफिस और सूरज दादा देखिए गर्मियों की तरह अपनी पूरी रोशनी बरसा रहे हैं सब पे। ये जैसे गर्मी होती है ना बिल्कुल वैसे ही। अब चलते हैं अंदर और करते हैं काम। वक्त हो गया है तो अपने लिए बना रही हूँ सैंडविच, कबाब सैंडविच बना रही हूँ। तो मैंने अपने लिए चीज भी निकाल दी और मोजरेला भी निकाल दिया और बनाते हैं आप सैंडविच। तो ये रहा मेरा लंच 3 लेयर्ड वाला। तो इसके बीच में मैंने एक लेयर में मैंने चीज स्लाइस डाली और दूसरे में मैंने मोजरेला डाला है। तो अब इसको हमने लिड से कवर कर रही है और स्लो हीट में पका रहे हैं। ये हो गया मेरा सैंडविच रेडी, आज का लंच। तो खाते हैं अब ये सैंडविच। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर। तो मतलब कि आज का दिन बड़ा ऑक्यूपाइड था, अच्छा था, मजेदार था। ऐसे ही वाहेगुरु जी की कृपा होनी चाहिए कि हम काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे वाहेगुरु जी की मेहर के साथ। तो अभी शाम हो चुकी है और काफी अंधेरा हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये चंदा मामा आए हैं ऊपर, ये देखिए हमारे चंदा मामा, हेलो। तो काफी ज्यादा शाम हो चुकी है। जब हम छोटे होते थे ना तो चंदा मामा देखते थे तब उस बहुत सारे तारों के साथ घिरे रहते थे चंदा मामा, बट आजकल ज्यादा तारे नहीं होते, पता नहीं डिस्पर्स हो गए क्या हो गया, पर ज्यादा तारे नहीं होते हैं। तो पर चंदा मामा को देख के अपनी ही खुशी है। तो अब चलते हैं अंदर घर के और करते हैं चेंज और फिर देखते हैं आज क्या बनाते हैं खाने में। पापा घर नहीं है, वॉक पे गए, संदीप घर नहीं है, मम्मा अंदर रेस्ट कर रहे हैं। उनकी आम, बस जस्ट प्रे टू द गॉड कि उनकी आम ना ठीक हो जाए, फिंगर क्रॉस कि जल्दी जल्दी उनको ठीक हो जाए, उनको दर्द से रिलैक्स मिले। उनकी थेरेपी चल रही है तो रोज जाते हैं थेरेपी के लिए, तो होपफुली जल्दी जल्दी ठीक हो जाए वो। तो हमने चेंज कर लिया और चलते हैं आप किचन में, कुछ बनाते हैं डिनर के लिए। आई डोंट नो क्या बनाएंगे पर कुछ तो बनाएंगे आज खाने में। दो ऑप्शन है मेरे पास, एक न्यूट्री आलू बनाने के और दूसरे मेथी आलू बनाने के। तो बस सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ जो मुझे अच्छा लगे खाने में। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। आप मेरी जगह होते तो आप न्यूट्री आलू बनाते या मेथी आलू बनाते बताइए। और तब तक मैं अपना फोन करती हूँ चार्ज और चलते हैं अब किचन में।
मैंने डिसाइड कर लिया है मैं क्या बना रही हूँ, तो देख बताती हूँ क्या बना रही हूँ। अगर आप मेरी जगह होते आप क्या चूज करते और क्या बनाते, या आपकी मम्मा आपके लिए बना रही होती तो आप क्या बनवाते, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं बता रही हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ न्यूट्री आलू सोया चंक्स, सोया आलू। और मीन वाइल तो हमारा ये खाली हो गया है, पत्ती खाली हो गया, इसको तब तक रिफिल करते हैं और तब तक ये बॉईल हो जाती है, इसको अच्छे से उबाल लेंगे, उबालने के बाद स्ट्रेन कर लेंगे, फिर लगाएंगे तड़का। तो ये देखिए ये हमारी जो न्यूट्री है ये पक चुकी है, उबल चुकी है अच्छे से, आप देख रहे होंगे इसका कलर भी चेंज हो गया और साइज भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, लार्ज हो गया। और ये देखिए इसको मैंने अभी तक रिफिल नहीं किया, बस अब इसको भी रिफिल करती हूँ। ठीक है चल भाई अब तू भी रिफिल हो जा। पर ये रिफिल क्यों लेट हो गया, क्योंकि मैंने साथ साथ ये काम कर दिया, वो गार्लिक भी पील कर लिया, अब फटाफट से टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ, बिकॉज लाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बंद हो जाती है। तो फटाफट से अब जब तक ये थोड़ा और बॉयल होते तब तक मैं वो कर लेती हूँ, अपने टमाटर को भी मैश कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये मैंने तेल कलका के उसमें डाल दिया प्याज, तो ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है। और धनिया और सॉरी जीरा डालेंगे, जीरा मैं तब नहीं डालती क्योंकि तब थोड़ा जल जाता है, तो इसके साथ ही ये जलेगा नहीं, क्योंकि पहले जीरा डाल दो क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उसमें जीरा जलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे जीरा नहीं जल रहा, जलेगा इसमें ऐसा ऐसा प्याज के साथ वो भी भुन जाएगा। और तब तक मैंने अभी तक अपने टमाटर नहीं किए ग्राइंड, अब उनको भी करती हूँ ग्राइंड। तो ये हमारा प्याज हो चुका ऑलमोस्ट ब्राउन, तो अब डालते हैं इसमें हल्दी मिर्ची। मिर्ची आपके टेस्ट के अनुसार जितना आपको स्पाइसी पसंद है उतना, और हल्दी डालेंगे और इसको फिर थोड़ा सा चला लेंगे और चला के थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी क्यों डालेंगे, पानी इसलिए डालेंगे कि जो इसके मिर्ची है मिर्ची अच्छे से अंदर से पक जाए। तो डैश ऑफ वाटर, ज़्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा सा ही डालेंगे, और जैसे ही आप देख रहे छोटे 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 उबाले आ रहे हैं तो साथ में डाल देंगे हमारे टमाटर। ओए तो ये गए हमारे टमाटर भी अंदर, तो अब इसको हल्का सा एक छोटा सा पकने का वेट करें, जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा ना तो साथ में ही ऐड कर देंगे आलू। तो आलू चाहे तो स्टेज में भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेता है पकने में, तो मैं सोच रही हूँ अभी ही ऐड कर देती हूँ आलू भी साथ में, कि दोनों अच्छे से एक साथ पक जाएंगे। और ये रहे हमारे आलू, अब ये इन दोनों को अच्छे से लेते हैं पका, जैसे ये पक जाएं तो फिर ऐड करेंगे हम अपनी क्या हीरो ऑफ द डिश दैट इज न्यूट्री। मैं डाला है हरा प्याज, तो ये हरा प्याज को पंजाबी में फूके भी कहते हैं, फूके, और ये वो है जो घर पे लगा हुआ है, घर पे लगा हुआ हरा प्याज है, बाजार वाला स्प्रिंग अनियन नहीं है। तो ये हमने ये भी काट के बीच में डाला है, और अब इसके बीच में डाल देंगे न्यूट्री, कि न्यूट्री भी अच्छे से पक जाए, दोनों को अच्छे से बढ़िया सा तड़का लग जाए और बढ़िया से फ्लेवर आ जाए, क्योंकि जितनी न्यूट्री बीच में पकेगी ना तो उसके अंदर भी उतना, न्यूट्री के अंदर उतना जूस जाएगा, और जितनी जूसी न्यूट्री होगी तो उतना खाने में स्वाद भी आएगा, तो उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए हमने डाल दिया सब कुछ, अब इसको करेंगे लिड से कवर और इसको पकने के लिए रख देंगे। खाना बनने के साथ साथ मम्मी पापा को चाय भी पीनी थी, और ये दादा वाली चाय मम्मी की, काम वाली पापा की। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे घर में सबको चाय पीना बहुत ही पसंद है, और मेरी मम्मी देखो फोन चलाते हुए अपने साथ और सबको हेलो हाय कर रहे हैं। वो देखिए मम्मी खुद बिजी है अपने फोन में और उधर टीवी भी देख रहे हैं, 2-in-1 काम करते हैं। आप उनको चाय पीनी थी तो चाय पी रहे, और पापा वॉक करके आ चुके हैं तो वो अपने फोन में न्यूज देख रहे हैं, तो उनको अब देते हैं दोनों को चाय और दोनों चाय पियेंगे। जी अब मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी कहाँ तक पहुँची है, सब्जी ऐसे बॉईल हो चुकी है, इसको अच्छे से राड लगा रहे हैं हम, तो अच्छे से थोड़ी उबलेगी सूखेगी फिर उसमें पानी ऐड करेंगे। और यहाँ तो धुआं धुआं ही हो गया, आपको बिल्कुल धुआं धुआं दिख रहा होगा क्योंकि अंदर से बहुत स्टीम निकल के आ रही है, क्योंकि बॉईल हो रही है तो आपको होता है बॉइलिंग के साथ साथ स्टीम भी निकलती है।
तो ये रहे मेरे आलू। तो ये देखिए, ये हमारी आलू न्यूट्री, बहुत ही ज़्यादा स्टीम आ रही है इसमें, तो बट ये पक गई ऑलमोस्ट। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो ये अब इसको थोड़ा सा और दम लगाएंगे और उसको पकने देंगे। तो ये हमारे न्यूट्री आलू नाउ रेडी। तो अब देते हैं मम्मी पापा को खाना और साथ में मिले साथ में इसके सर्व करेंगे राजमा। तो ये आ गया हमारा खाना और ये पापा और मम्मी भी खा रहे हैं खाना। तो ये देखिए पापा की प्लेट। पापा खाना कैसा है? और ये मेरी मम्मा बिल्कुल राजमा नहीं ले रहे थे, पर आलू और न्यूट्री खा रहे हैं और संदीप दोनों खा रहे हैं। तो मम्मी बीमार है तो उनका रूम आज हम कर रहे हैं सेट। और सेट ये संदीप के कपड़े हैं, ये भी सारे ठप रहे हैं और ये साथ में न्यूज़ भी देख रहे हैं और बाहर भी जो कपड़े पड़े हैं वो भी सारे करते हैं सेट। तो ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर पूरी रसलीन को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना। टिल देन टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखना और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।